I'm Jake. Welcome to my channel. और आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा टोरंटो में मेरा नया घर जो मैंने अभी अभी रेंट पे लिया है। जो भी न्यू इमिग्रेंट्स होते हैं या जो अभी इंडिया में हैं और कनाडा आने की प्लानिंग कर रहे हैं, उन्हें हमेशा ये क्यूरियोसिटी होती है कि कनाडा जाके अकोमोडेशन कैसी होगी, यहाँ पे घर कैसे होते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड होती है, क्या घर में सेंट्रल हीटिंग होती है सर्दी से बचने के लिए। तो इन्हीं सब पॉइंट्स को कवर करते हुए मैं आज आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा अपना घर दिखा के। तो जब तक मेरी वाइफ डेमी मेरे लिए ये अमेजिंग यम्मी यम्मी सैंडविच रेडी करती है, मैं आपको घर का एक छोटा सा टूर दे देता हूँ। और सबसे पहले घर सबसे इम्पोर्टेंट चीज से शुरुआत करेंगे, द किचन। So, that was the kitchen. अब मैं आपको दिखाता हूँ अपना बेडरूम। और एक इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस घर में जितना भी फर्नीचर आप देख रहे हैं, फ्रिज, टीवी, कुकिंग इक्विपमेंट्स, एवरीथिंग हैज बीन प्रोवाइडेड बाय माय लैंडलॉर्ड। जो हमारी रेंटल एग्रीमेंट की डील थी उसमें हमारा ये टर्म एंड कंडीशन थे कि फर्नीचर जो होगा वो प्रोवाइडेड होगा। कहने का मतलब है दिस इज अ फुली फर्निश्ड अकोमोडेशन। Welcome to my bedroom. तो हमारा जो बेडरूम है उसमें सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक मैसिव किंग साइज बेड है जो मेरे और डेमी दोनों के लिए बहुत ही कंफर्टेबल है। देन वी हैव दिस ब्यूटीफुल मैसिव टेलीविजन विद अ स्टोरेज कैबिनेट अंडर इट। और यहाँ पर इस कॉर्नर में है हमारा छोटा सा एक क्लोजेट एरिया। सीलिंग पे बहुत ही ब्यूटीफुल लाइटिंग का अरेंजमेंट है और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक छोटा सा डक्ट है, इसमें से बेसिकली एयर कंडीशन हवा अंदर आती है, सर्दियों में गर्म हवा आती है। 90% ऑफ द हाउसेस जो है टोरंटो कनाडा या एवरीवेयर इन कनाडा वो सेंट्रली हीटेड होते हैं, तो जो हमारे लैंडलॉर्ड हैं उन्होंने ये सेंट्रल हीटिंग का अरेंजमेंट किया हुआ है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उस कॉर्नर पे टॉप पे एक छोटी सी विंडो है जिसके थ्रू डायरेक्ट सनलाइट अंदर आती है। हमें ये फीलिंग नहीं आती कि हमारा बेडरूम जो है वो एक बेसमेंट के अंदर है, काफी ओपन और इल्यूमिनेटेड सी फीलिंग रहती है, सो इट गिव्स अ वेरी पॉजिटिव वाइब। तो ये था छोटा सा टूर मेरे बेडरूम का। आगे बढ़ते हैं दूसरे रूम की तरफ। ओके, तो ये हमारे घर का सेकंड रूम है, इसको हम एज अ गेस्ट रूम भी बोल सकते हैं। अगर मान लो मेरी और डेमी की लड़ाई हो जाए तो मैं इस रूम में आके भी सो सकता हूँ, वैसे ऐसा वो होने नहीं देगी, वो मुझे फिर भी वहीं सुलाएगी। ओके, कमिंग बैक टू द पॉइंट, इस रूम में एक ये सिंगल बेड है, इसमें एक बंदा तो आराम से लेट के सो सकता है। और यहाँ पर ये काउच है, यू कैन सिट हियर आराम से चिल। इनफैक्ट अगर मान लो दो मेहमान भी आ गए तो एक तो इस पे भी आराम से सो जाएगा। इस रूम में भी वहां पर छोटी सी विंडो है जहां से लाइट अंदर आती है, तो वही खुलापन महसूस होता है। और यहाँ पर टॉप पे सेम डक्ट लगा हुआ है जिसमें से गर्म हवा अंदर आती है। और पीछे की साइड वहां पर एग्जैक्टली वैसा ही एक क्लोजेट है जैसा मेरे बेडरूम में था। सो दिस इज अ कंफर्टेबल गेस्ट रूम। आप मेरे बाथरूम में भी आ गए, नो प्रॉब्लम, आई विल शो यू माई बाथरूम ऑल्सो, सो लेट्स स्टार्ट। आई होप आपको हमारा ये नया घर अच्छा लगा हो। और मैं ये इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा कि ये घर जो है हमने किजीजी के ऊपर ढूंढा था, तो आप जब यहाँ आते हैं या इनफैक्ट आप इंडिया से भी किजीजी पे सर्च कर सकते हैं, जहाँ पर ओनर्स लैंडलॉर्ड जो होते हैं अपने घर की पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और उसके बाद
अपनी बुकिंग कर सकते हैं। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि जो हमारा घर है ये फुली फर्निश्ड हमें प्रोवाइड किया गया था। एट द सेम टाइम जो यूटिलिटीज बिल्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस, एवरीथिंग, वो हमारे रेंट में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो हमें बेसिकली रेडी टू मूव इन घर मिला है, जो कि न्यू इमिग्रेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आते ही आप ये सारे खर्चे नहीं करना चाहते, बेड खरीदना, फ्रिज खरीदना एंड ऑल द एक्सपेंसेस। So my advice to you is try and find a deal where you can get a fully furnished accommodation including your utility bills. Hamara jo rent hai wo per month $1,300 Canadian hai. I think which is a fair deal for a house like this. Kyunki hamari jo public transit hai wo bhi ghar ke bilkul bahar hai. Hame bus bhi mil jati hai aur train station bhi thoda hi dur hai. So ye kuch important point hote hain jo aapko consider karne chahiye ek ghar lene se pehle. Public transit pass hona chahiye kyunki yahan pe traveling mein warna bahut dikkat hogi. पहुंचने के लिए। So all the best to you to find a good house for yourself. I will now enjoy my sandwich with my beautiful wife. See you next time. Remember to subscribe to my channel and like all my videos.